श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद वहां की सरकार हिल गई है। दाने दाने को तरसते लोगों ने जमकर हंगामा किया। सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया, फिर शहरों में कर्फ्यू लगाया और अब विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबाने के लिए सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी पाबंदियों से भूख से जूझती जनता का पेट भरेगा, श्रीलंका के आम लोगों का खाने पीने का संकट घटेगा। एक अच्छा खासा देश तबाही के दरिया में डूबता है, उतराता है, तड़प तड़प जाता है, तरस तरस जाता है। श्रीलंका इन दिनों बेबस भी है, बेचारा भी है, बेसहारा भी है। जब एक मुल्क पाई पाई का मोहताज होता है तो आवाम का गुस्सा आक्रोश की आग बनकर अपने ही देश को धधकाने लगता है, जलाने लगता है। जब एक मुल्क दाने दाने को तरसता है तो लोगों की भूख की आग शहरों को सुलगाने लगती है, ज्वाला को भड़काने लगती है। जब एक मुल्क अंधेरे में डूबता है तो विरोध के अंगारे यूं ही सड़कों पर बिखर जाते हैं, लोगों के दिलों को दहशतों से भर देते हैं, मुश्किलों का पहाड़ सामने दिखता है। कुछ ऐसा ही हाल है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का, जहां दूध के लिए मार है, दवाई के लिए हाहाकार है, खाने पीने के सामान के लिए लाखों की पुकार है। भुखमरी का दंश झेलते श्रीलंका में इस वक्त हर ओर हाहाकार है। जनता रोजी रोटी मांग रही है, लेकिन कर्ज के जाल में फंसी श्रीलंकाई सरकार लोगों की बुनियादी मांग से ही घबरा रही है। जनता की आवाज को दबाने के लिए आपातकाल, कर्फ्यू और सोशल मीडिया पर पाबंदी को दमन वाला हथियार बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पाबंदियों से श्रीलंका के लोगों पर आया संकट घटेगा, क्या सरकार की पाबंदियों से आम आदमी का पेट भरेगा, क्योंकि श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी क्या जरूरत के सामान पैसे वालों की पहुंच से भी बाहर हो गए हैं? पहले आपको श्रीलंका में कुछ जरूरी चीजों के दाम की लिस्ट बनाते हैं, फिर खाने पीने के संकट से सशक्ते देश के बारे में बताते हैं। आम आदमी की जेब के लिए सबसे किफायती माना जाने वाला आलू श्रीलंका में 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते दूध की सप्लाई नहीं हो रही है और एक किलो मिल्क पाउडर 1900 रुपए में मिल रहा है। एक किलो चावल के दाम 500 रुपए तक पहुंच गए हैं। नारियल के तेल के दाम 850 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हैं। चीनी 250 रुपए किलो में मिल रही है। मिर्च 700 रुपए किलो में बिक रही है। एक कप चाय 100 रुपए की है। यहाँ तक कि एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है। मुसीबत की ऐसी मार पड़ी है कि श्रीलंका के करीब 2.25 करोड़ आबादी के सामने जिंदगी का संकट आ गया है और सरकार पाबंदियों के सहारे जनता के दर्द को दबाने में लग गई है। हिंसा के डर से लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि भुखमरी वाले हालात में ऐसी पाबंदियां क्या असर दिखाएंगी? पाबंदी लगाकर श्रीलंका की सरकार जनता का पेट कैसे भर पाएगी? पाबंदियों के बीच विपक्षी दल बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, श्रीलंकाई राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग दोहरा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि श्रीलंका के आम आदमी की जिंदगी पर बनाई है। देश में महंगाई है, गरीबी है और भुखमरी वाली आफत आई है। कि राजपक्षे परिवार पर आरोप है कि 2019 के पहले से ही लगातार जिस तरह इस सरकार ने आर्थिक नीतियों को मैं जमीन पर उतारा और उसके चलते ऐसी आर्थिक तंगी आज ये देश देख रहा है कि यहाँ पर भुखमरी है, बेहाली है, बदहाली है, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, न तेल है, न दवाइयां हैं, न खाने को है, न फल सब्जियां हैं और इसी के चलते महंगाई इस कदर बढ़ी है कि 5 रुपए की चीजें 500 रुपए तक पहुंच गई और इसीलिए जनता सड़कों पर उतर रही है। साफ है कि समंदर से घिरा श्रीलंका मुसीबतों के समंदर से घिर गया है। इस मुसीबत से पार पाने के लिए यहाँ कोई ना तो सहारा नजर आ रहा है और ना ही कोई उम्मीद दिख रही है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक। श्रीलंका में हाहाकार मचा है। श्रीलंका में संकट लगातार गहराता जा रहा है। जनता भूख से बिलख रही है। खाने पानी के सामानों की किल्लत बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी मची हुई है। उधर सरकार सिर्फ जल्द उपायों
डेजर्टेड है, सन्नाटा है। वो इसलिए क्योंकि बीती शाम से पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले ही यहां पर राष्ट्रपति ने पब्लिक इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था और अब उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आवश्यक वस्तुओं के अलावा और आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को भी सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस, आर्मी, यहाँ के अर्धसैनिक, इन सारे बलों को पूरे श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया है। 12 से 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति यह है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद रखी जा रही हैं। दवाएं 30% तक महंगी हो गई हैं। कागज और छपाई की स्याही खत्म हो गई है, जिसकी वजह से परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। श्रीलंका ने 1948 में आजादी पाने के बाद इतनी बदहाली कभी नहीं देखी। देश की जनता लाचार है और सरकार किसी ठोस प्लान की बजाय बस पाबंदियों के सहारे ही लोगों को काबू करने की कोशिश में जुटी है। राष्ट्रपति बस उपाय की बात कर रहे हैं, जल्द ही स्थिति बदलने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके मुल्क में विपक्ष सरकार की इन दलीलों को सुनने को तैयार थी। यही वजह है कि कोलंबो में कर्फ्यू के बाद भी विपक्षी दल सड़क पर उतर रहे हैं, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, देश को बदहाल बनाने के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पड़ोसी देश में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भुखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40,000 टन चावल की सप्लाई की है, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसे सामान्य करना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका, आज तक।